Among the thousands of voters in Nadiad town of Gujarat's Kheda Lok Sabha constituency who voted in the third phase on May 7th was Ankit Soni. Ankit came out of his home to exercise his franchise despite being physically challenged, having lost both his arms in an electric shock accident. He voted using his feet. इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मेरे दोनों हाथ घुमा दिए थे। उसके बाद मैंने टीचर्स और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैंने ड्राइंग शुरू किया। ड्राइंग के बाद मैंने लिखना शुरू किया और लिखने के बाद मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैंने 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ और त्यार बाद मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने CS और MBA किया। अभी मैं PhD की तरफ अग्रसर हूँ। मैं अपनी साफ दिनचर्या जैसे कि आपने देखा मेरे वोट भी मेरे पांव से दिया है। After casting his vote, Ankit appealed to people to come out in large numbers and take part in the polling process. लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वो सभी सुविधाएं बहुत कम हो चुकी है, तो यही सही मौका है कि आप अपना कीमती वोट देकर अच्छी सरकार बनाए जिसकी भारत देश के हर वासी को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। Kheda is among the 25 Lok Sabha seats in Gujarat which voted in the third phase on Tuesday.